दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सोमवार सुबह पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग में पालमपुर के फरेड़ के निकट एक ट्रक पलट गया। बड़ी बात ये रही कि जैसे ही ट्रक पलटा उस वक्त सड़क किनारे राहगीर चल रहे थे। गनीमत ये रही कि वे ट्रक की चपेट में आने से बच गए। बता दें कि यह ट्रक दिल्ली से सरकारी डिपो की दालें ला रहा था। ये दालें सिद्धपुर के गोदाम में उतारी जानी थी। बताया जा रहा है कि चालक ने जैसे ही फरेड़ से ट्रक सिद्धपुर सड़क की तरफ मोड़ा तो नियंत्रण खो देने से गाड़ी अचानक पलट गई। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर व क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने इन दोनों को खिड़की के रास्ते से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया। हैप्पी फैशन मॉल नेरचौक मंडी भारी डिस्काउंट पर शुरू हो रही है सेल। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कुर्ती एक के साथ एक फ्री, कोट पैंट शेरवानी पर 30% डिस्काउंट, सूट साड़ी गाउन्स ड्रेसेस अनस्टिच सूटिंग और शर्टिंग पर 50% डिस्काउंट, जे हैमस्टर ट्राउजर के साथ शर्ट फ्री, नुमेरो रेमंड कलर प्लस यूएस पोलो पार्क एवेन्यू डब्ल्यू और ऑरिया पर 30% डिस्काउंट। तो जल्दी आइए हैप्पी फैशन मॉल नेरचौक मंडी। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र से डी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि प्लस टू उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें।